हमारे बीच में इको विकास समिति का अध्यक्ष आजाद चेची जी है और गणी ढिंडा है। ये लोग यहाँ जो पूरे रीसेटलमेंट का जो डेवलप्ड करने का जो काम होता है वो इको डेवलपमेंट कमेटी का होता है। और मैं आज आजाद चेची से ये पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर यहाँ गुजर समुदाय के कुछ परिवारों का पुनर्वास हुआ और पुनर्वास होने के क्या फ़ायदे गुजर समुदाय को मिले, और उसके बारे में मैं आजाद जी से बात करूंगा कि पुनर्वास से क्या क्या बेनिफिट वन गुजर समुदाय को हुआ। गुजर पुनर्वास में जो हमें बसाया गया 1983 में जो योजना बनाई गई है गवर्नमेंट की, एक पॉलिसी बनाई गई है गुजरों को जो है मुख्यधारा से जोड़ा जाए। गैंडी खाता और पथरी में हमारा विस्थापित किया गया है, लेकिन जो फ़ायदे हमारे होने थे जैसे बच्चों की शिक्षा होनी थी, पढ़ाई होनी थी बच्चों की, और जो है हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे हर परिवार को जो है शौचालय बना के देना था, कैटल शेड बना के देने थे भैंसों पशुओं के लिए, तो काफ़ी अभी जिसकी तरह से अभी सरकार ने जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हम लोगों को 20 से 25 वर्ष हो चुके हैं गेंडी खाता में और पथरी में, तो अभी तक जो है हमारी किसी भी जो मूलभूत समस्या जो भी है जिससे तरह कोई फायदा नहीं हो पाया। ओके, दूसरी बात है कि क्या वन गुजर समुदाय की जो संस्कृति थी जैसे जंगलों में रहकर विशेष प्रकार का एक पहनावा था, विशेष प्रकार की एक अपनी एक संस्कृति थी, एक आइडेंटिटी थी, क्या पुनर्वास होने के बाद वो आइडेंटिटी वो पहचान अभी बरकरार है? वो पहचान हमारी ख़त्म होती जा रही है। ये किस कारण हुई? ये इस कारण हुई कि हम लोग जब जंगलों में रहते थे तो हमारा ये था कि दो दो चार चार घर लोगों के जो थे वो दूर दूर रहते थे, खोलों में रहते थे, अंदर रहते थे जंगलों में। अब वहाँ तो पुराना रीति रिवाज था, पशुपालन का था, घास पत्ती का था, अपना पहनावा हमारा वही था जो गुजरू पहनावा होता है। अब जब हमें वहाँ से गांव बना दिया, हम मुख्य धारा से जोड़ा है, तो यहाँ के लोगों को देख के देख दिखा के आसपास के शहर के गांव के देहात के लोगों को देखने से हमारा आस्ते आस्ते जो है वो संस्कृति जो है ख़त्म होती जा रही है। तो जिस तरीके से अभी आजाद जी से बात हो रही थी, यहाँ ये एक निष्कर्ष निकलता है कि गुजर जो गुजर पुनर्वास हुआ है, जो एक वनाश्रित समुदाय फॉरेस्ट ट्रैवलर्स को दूसरी जगह रिसेटलमेंट करने से जो वहाँ जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का जो अभी तक 20-25 ईयर के बाद भी अभी पूरा ना होना अपने आप को बड़े सवालों में है। दूसरा, जिस तरीके से आजाद जी से बात हुई, ये परिणाम निकलता है कि आज जो है जिस एक सपने को लेकर समुदाय पुनर्वास की हामी भरता था कि वन गुजर समुदाय भी एक शिक्षा की ओर अग्रसर है, लेकिन रीसेटलमेंट की जगह पर हम लोगों को ये पाया गया कि आज 25 साल के बाद भी शिक्षा की दर जो है न्यूनतम स्तर पर है, बहुत कम स्तर पर है। तो इसी प्रकार आप सभी दर्शकों का नमस्कार।